सदन में आप सभी का स्वागत है। जामिया के प्रदर्शन के बाद दिल्ली में फिर एक बार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। आज उसी पर फिर पुनः चर्चा करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। गोविंद वाधवा है हमारे साथ जुड़े हुए, आपका स्वागत है। योगेश उनियाल है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट है, प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, जामिया में जो प्रकरण हुआ उसके बाद जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जब एनआरसी की बात हो रही थी तब लोगों में विरोध इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही सीएए हुआ उसके बाद लोगों के अंदर इस तरह से विरोध दिखाई दिया और जो पूरी घटना हुई उसमें कई तरह के पहलू निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है वो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह की जो घुसपैठ वाली गतिविधि है वो भी चिंता का विषय बनी हुई थी और इसीलिए यहाँ पर जो एनआरसी है वो लागू करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था। देखिए श्रीवास्तव जी, बात को इस तरह से समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश के अंदर वर्तमान में जो सरकार केंद्र में बैठी है उनको इस कानून को लाने की ऐसी क्या जरूरत थी। 130 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश है और इस देश की अपनी विषम समस्याएं खड़ी हैं। पिछले 6 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो वो तमाम वो सवाल जिनको लेकर ये सत्ता में आए थे कि यदि हमको सत्ता मिलेगी तो हम देश के अंदर रोजगार से लेकर विकास से लेकर तमाम वो चीजें जो इन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करेंगे और देश के अंदर खुशहाली आएगी, मगर सत्ता मिलने के बाद इन्होंने जिस तरीके से सत्ता का संचालन किया उससे देश की आर्थिकी गिरी, बेरोजगारी बढ़ी, तमाम राज्यों के अंदर हर तरह के संकट जो कभी देखने को नहीं मिले थे वो इनके सत्ता काल में देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाइए एनआरसी के मामले में। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि 130 करोड़ की इस जनसंख्या में केवल 10-15-20 लाख लोगों के लिए आप देश के तमाम नागरिकों को केवल अपनी पहचान के लिए सड़कों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसके पीछे देश को क्या लाभ होगा? आपको बताना पड़ेगा कि नोटबंदी के बाद जिस तरीके से देश की आर्थिकी टूटी है, कमर टूटी आम जनता की, क्या वो नोटबंदी आपकी सफल रही? आपको बताना पड़ेगा इस देश के अंदर यदि आपको केवल 10-15 लाख उन लोगों की चिंता है जो बाहरी देश से भारत में आएंगे और उनको आप नागरिकता देगो तो दोगे, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने 129 करोड़ से ज्यादा जो भारत की जनसंख्या है इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या किया। जहां तक मेरा क्षेत्रीय दल होने के नाते मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की मंशा बड़ी ईमानदारी से नेक हो, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे आपकी एनआरसी का मामला रहा हो, आपकी नेक नियति पर हमें शक नहीं है, मगर आपको यह बताना पड़ेगा कि इससे देशव्यापी लाभ क्या है। अब आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर केवल 64 लाख लोगों का यह राज्य था, आज इस राज्य की जनसंख्या 1,01,16,752 से ज्यादा हो चुकी है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर जो ये 35-40 लाख लोग आकर बसे हैं ये कौन लोग हैं? क्या इनको कल इसी एनआरसी के तहत जब उत्तराखंड की सरकार छटनी करेगी वो लोग जो अन्य प्रांतों से आकर यहाँ बसे हैं और उनके माँ बाप गुजर चुके हैं, उन बच्चों को पता नहीं वो बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं, और वो बच्चे जब अपने आप को उत्तराखंड का मूल कहेंगे और जब वो एनआरसी में बात निकल कर आएगी कि ये यहाँ के नहीं है, तो क्या यहाँ की सत्ताएं उन लोगों को ये नहीं कहेगी कि ये बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के? देखिए, इस देश के अंदर रॉ है, एलआईयू है, रॉ और एलआईयू के पास तमाम डाटे हैं कि कौन देश के अंदर आया है, कौन देश के से बाहर चला गया है। क्या इन 70 वर्षों में भारत की लोकल इंटेलिजेंसी फेल है, अगर इसीलिए एनआरसी लेकर आए हैं? क्या भारत का रॉ विभाग खत्म था जिसने आज तक भारत की सरकार को कोई डाटा नहीं दिया जिसके तहत काम होना चाहिए था? तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत का अपना एक संविधान है और संविधान में यह नियत है कि कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी देश का व्यक्ति यदि आता है सत्ता चाहे तो उसे वहां का मूल बना दे,
सत्ता ना चाहे तो नहीं, ये प्रावधान ऑलरेडी है। आखिर अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस कानून को लाने की ऐसी कौन सी जरूरत हुई, जबकि इसका ट्रायल आसाम में फेल हो चुका है। इन्हीं के मुख्यमंत्री जो है उस एनआरसी में बाहर हो गए, इन्हें आसाम के एक सैनिक परिवार का पूरा परिवार जो है एनआरसी से बाहर हो गया, और 15 लाख ऐसे लोग बाहर हो गए जो मूल आसाम के थे। तब यही भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे मूल है, इनको हम दोबारा सुधार करेंगे और इनको लेकर आएंगे। जब एक आसाम का ट्रायल भाजपा का फेल हो गया, तो आप सोचिए पूरे राज्यों में जब इस तरह की अनार्की होगी, तो क्या आने वाले 4 सालों में इस देश के अंदर विकास के नाम पर हमको आपस में लड़ने को मिलेगा? उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आकर बसे हैं, कल राजनीतिक लोग उनको मार मार के यहां से ले कहकर भगाएंगे कि आप उत्तराखंड के नहीं हो, आप बांग्लादेश के हो, और राजनीतिक सत्ताओं में बैठे लोग उसका लाभ लेकर केवल राजनीति करेंगे। क्या ये देश के लिए शुभचिंतक शुभ संकेत होंगे? मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दीबाजी में निर्णय लिया है, इसके गंभीर परिणाम जनता के सामने आएंगे और राष्ट्र को एक आर्थिक संकट, सामाजिक संकट जो था वो तो हम झेल ही रहे थे, आने वाले समय में इस झगड़े से हम कहीं ग्रह युद्ध की ओर ना चले जाए, ये मुझे ऐसी शंका लग रही है। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ये बात सत्य है। मगर सरकारों को यह भी जानना चाहिए कि बगल का देश पाकिस्तान है, यदि पाकिस्तान साजिश के तहत हिंदू बना बनाकर अगर आपको यहां भेजेगा, तो क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद वो जो हिंदू होकर भारत की नागरिकता लेगा, वो पाकिस्तान की भाषा को बोलते हुए देश के अंदर अराजकता पैदा नहीं करेगा? क्या भारत की सरकार यह नहीं जानती? तो भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि आप धर्म के नाम पर, चाहे वो आप अल्पसंख्यकों का बहाना लेकर ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात कर रहे हो जो आने वाले समय में हमारे लिए ही संकट हो जाएंगे, तो क्या सरकारें इन चीजों को नहीं जानती? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर टिप्पणी दी हुई है कि ये ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है सरकार जल्दीबाजी में ऐसा काम ना करे। योगेश जी, पूरी चर्चा में आपने शांति भाजी के शब्दों को सुना, अगर बारीकी से देखा जाए, क्योंकि देखिए ज्यादा दूर को छोड़ करके अगर हम अपने ही राज्य उत्तराखंड से अगर ले, तो भारत के जो कैप्टन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो उत्तराखंड के लोग कहते थे कि वो उत्तराखंडी है मूल रूप से। जब वो भारत के जब वो कैप्टन बने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड मूल के है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको देख करके ये विरोध जो है हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि नोटबंदी जब हुई और जो हमें डेट पे डेट मिली कि हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं नोट जमा करने के लिए, उसके बाद हमने जीएसटी को देखा, फिर जीएसटी में संशोधन दिखाई दिया, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो बिल आया है इसको किस नजरिए से आपके देखा जाए? देखिए विक्रम जी, अभी शांति जी ये बातें हमने सुनी, इनके नाम के अनुरूप इतने शांति से नहीं डील करते हैं मैटर को, थोड़ा स्वभाव से ये हर चीज को एनालाइज करते हैं अपने। मैं चाहता हूं इस पूरे मसले पर निष्पक्ष नजर से देखा जाए, बजाय किसी भी पार्टी की तरफ होने के या किसी भी विचारधारा की तरफ होने के। आप शांति जी से मैं एक इनको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जिस पार्टी से आते हैं इन्हें अपनी पृष्ठभूमि याद रखनी चाहिए। उत्तराखंड में दो डबल बातें बोल रहे हैं कि भाई बाहर से कोई भी आ सकता है और कोई भी आदमी किसी भी राज्य में जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराखंड यानी गढ़वाल जब इसका विलय हुआ था भारत में, तो कुछ प्रावधान थे जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। शायद उनको मालूम होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि इनको पता है कि नहीं, लेकिन वो विशेषाधिकार अगर इन्हें मालूम होंगे तो ये जानेंगे कि एक सुरक्षा प्रदान की गई यहाँ के स्थानीय लोगों को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जामिया मिलिया की। जामिया मिलिया में साहब क्या हो रहा है कि वहां एक कोई जो सरकार ने ऐसे पास किया, इसके विरोध में आपने एक प्रदर्शन करना चाहा, एक मार्च निकालना चाहा, वहां
वहां के बच्चे जमा हुए। आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं कॉलेज के बच्चे होते हैं, इन लोगों का खून बहुत गर्म होता है और उन्हें बहुत आसानी से कहीं भी मोड़ा जा सकता है, किसी भी दिशा में ढाला जा सकता है। तो अब जो भी इसके सूत्रधार रहे उन लोगों ने इनको गाइड किया या जो भी किया, और वहां पे एक प्रदर्शन हुआ। देखिए सर, प्रदर्शन हुआ ठीक है, एक आप मार्च निकालते हैं ठीक है, आप जाते हैं आते हैं कोई बात नहीं, आप झंडे हिलाते हैं आप नारे लगाते हैं, लेकिन जब आप वहां अराजकता फैलाने लगे, उपद्रव करने लगे, दंगा करने लगे, तो सीधा सीधा एक कानून है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो एक आम आदमी को भी वो अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार सरकार ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हर नागरिक को कि यदि कोई भी व्यक्ति अराजकता रिस्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने की नजर से आग लगाने आए या हथियार लेकर मारने आए, इस तरह का कोई उपद्रव करे, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब सरकार ने, सरकार की पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन यह अधिकार आम जनता को भी प्राप्त होता है। आम आदमी भी ये एक्शन ले सकता है यदि वो देखता है, और ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं है सिर्फ, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, आपके दूसरे की प्रॉपर्टी पे भी लागू होता है। यदि आप देखते हैं जिसको आप जानते भी नहीं उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान करना चाहता है, तो आप उसकी भी रक्षा कर सकते हैं इस अधिकार से। तो यहां पे जब इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इन लोगों ने आग लगाई, पुलिस चौकियां फूंक दी, तो साहब बहुत ज्यादा ये लोग लेकिन योगेश जी, पुलिस ने जितने लोगों को पकड़ा है उनमें से कोई भी जो है वो जामिया का छात्र नहीं है। देखिए ऐसा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमें ये मालूम है जब हम आर्मी को सिविल अथॉरिटीज के एड में बुलाया जाता था हमारे टाइम में, तो आर्मी इसलिए नहीं आती थी कि भाई साहब हमने किसी को पकड़ना है या हमने हवा में गोली चलानी है, ऐसा नहीं होता था। जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है उस समय हमें बुलाया जाता था, आर्मी को उस समय बुलाया जाता था, एक लाइन खींच दी जाती थी और दंगाई भीड़ को अनाउंस किया जाता था कि भाई इस लाइन से आगे आप लोग नहीं आएंगे कोई भी, और उसके बाद सारे टारगेट मार्क कर लिए जाते थे, कौन आदमी भड़का रहा है, कौन ज्यादा उपद्रव फैला रहा है, और शूट टू किल किया जाता था, गोली मारने के लिए हवा में नहीं चली जाती। तो आर्मी तो इट मींस बिजनेस, दंगाई है, उपद्रवी है, कानून में प्रावधान है कि आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे उस लेवल तक क्षति पहुंचा सकते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाए या वो वहां से भाग जाए या उस भीड़ को आप इधर उधर कर लें। तो इसमें कानून ने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सही काम किया है। आप बिल पे चर्चा कर रहे हैं, आपको बिल के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन था तो आप उसमें अपना एक मसौदा दे सकते हैं, एक ज्ञापन दे सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जाके नहीं कर सकते, वो अलग चीज हो गई। योगेश जी, यही जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं और जो लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास है, इसीलिए देखिए, क्योंकि जो छात्र वहां पर है मेरे ख्याल से वो हजारों की संख्या में वहां पर छात्र। मैं दिल्ली में रहा हूँ जी, मैं उस इलाके में रहा हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी में रहा हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में रहा हूँ, ग्रेटर कैलाश में रहा हूँ, और इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरा आने और जाने का रास्ता वही था, मैं जामिया के आगे से ही जाता था। मैं आपको बता दूं ये एरिया बहुत ही शांतिप्रिय एरिया था, बहुत शांति थी वहां, ऐसा मैंने कभी नहीं नोट किया, इतने सालों वहां रहा कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि वहां के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ये है कि जामिया से पीछे लगी हुई जो वो है बस्ती, उसके पीछे जो एरिया है वो पूरा एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो हो सकता है कि उन लोगों की भावनाओं को भड़काया गया हो, वहां से लोग जमा हुए हों, और ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में उन्होंने ये अराजकता फैलाई, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हुआ है ये प्लानिंग से किया गया, ये विरोध नहीं था, ये उपद्रव था। तो उपद्रव को सरकार अपने ढंग से कंट्रोल करती है, और अगर उसमें ज्यादती हुई है ये एक जांच का विषय है कि उन्होंने ज्यादती की है या नहीं की है। हाँ आपकी जो ये आपके जो पॉइंट्स हैं, आप लोगों के जो विषय में आपके आपत्तियां हैं, इनको आप सिलसिलेवार आप सामने रख सकते हैं, आप जो है इनके ज्ञापन बना के दीजिए, आप इस पे एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन उपद्रव मत करिए, मेरा कहना यही।
नहीं भाई उपद्रव की तो, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें दो तीन तरह की तस्वीरें दिख रही है। एक तस्वीर को खुद वहां के उप मुख्यमंत्री वायरल कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि पुलिस वाला खुद बस में आग लगा रहा है, जो बाद में तथ्यों की जानकारी जब पूरी एकत्रित हुई तब वहां पे लगा कि नहीं ये तस्वीरें जो है वो फेक है। तो सोशल मीडिया के अंदर जो लगाम लगानी चाहिए वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इतना बड़ा प्रदर्शन, जैसा शांति भट्ट जी कह रहे थे आपके पास एनआईयू है, तमाम लोकल इंटेलिजेंस है जो अलग अलग तरीके से काम करती है, और इतनी बड़ी संख्या में अगर छात्र एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि देहरादून में भी दिखा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना जो है ज्ञापन जो है सौंपा डीएम को, और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने किया, उनके हाथों में जो है तिरंगे झंडे थे, उनकी जो मांग थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है या कोई सरकार कोई बिल पास करती है तो चर्चा करना हर आदमी का अधिकार है, उसमें अगर कोई खामी लगती है तो उस खामी को दूर करने के लिए सुझाव के तौर पर जो प्रदर्शन होते हैं उससे ही सुझाव मिलता है। और यही वजह है कि गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है, उन्होंने कहा है संशोधन हो सकता है। गोविंद वाधवा जी हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद से हैं, उपाध्यक्ष हैं। गोविंद जी, ये जो पूरा प्रकरण आया इसमें एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दे रही है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें आरएसएस का बंदा पुलिस की ड्रेस पहन करके वो वहां पर लोगों को छात्रों को पीट रहा है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे, एक संविधान के तहत एक कानून बना करके जो बिल लाया गया है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कई सालों से जो लंबित मामले थे, जैसे कि आपका अयोध्या मसला था या एनआरसी था या सिक्के से था या धारा 370 थी, इन सबका समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बेवकूफी तरीके से किया और संविधान के तहत किया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति किसको है, आपत्ति उन लोगों को है जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सीखनी है, और उन राजनीतिक लोगों के इशारों पर ही जो हमारे कॉलेज के बच्चे दिखाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखा होंगे आपने सोशल मीडिया पर आप बात कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे, सोशल मीडिया आपने देखा होगा 60-60 साल के बुड्ढे 70 साल के बुड्ढे औरतें जो कि बच्चे नहीं थे वो बसों को फूंक रहे हैं, जला रहे हैं बसों को, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या उनको आप बच्चे कह सकते हो? वो बच्चे नहीं थे, वो भारत के नाम पर कलंक थे भारत के ऊपर। उन लोगों को देश से निकाला जाना अति आवश्यक है। आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा कितनी बेखूबी से हर तरफ से तस्वीर आ रही थी कि रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से बर्बरता पूर्ण तरीके से लड़कियों का हमारी बहनों का एक बलात्कार करते हैं, मारते हैं, मारपीट करते हैं। उन सबको देखते हुए ये बिल लाना बहुत अति आवश्यक था। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल बहुत लेट लाया गया, इस बिल को पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी निकाली, तो मैं समझता हूँ कि और तरीके से क्या लेना देना साहब, ये जो आप एनआरसी को इससे मिक्स क्यों कर रहे हैं, आप सीए मैं सभी बिल की बात करूँ, अयोध्या मसले की बात की है, 350 की बात करी है मैंने, मैं सभी मुस्लिम माधवा जी, अजय भट्ट जो सांसद नैनीताल से है वो सितारगंज में बांग्लादेशियों की नागरिकता को लेकर के वो सदन में सवाल उठाते हैं। देखिए जितने भी अपराध आपने देखे होंगे सिर्फ एक धर्म के लोग होते हैं, वो घटे मुसलमान, में बिल्कुल खुल के कहता हूँ किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। कभी आपने देखा कि हिंदू को हिंदू ने कभी कुछ किया हो या सरहार ने कभी किसी जगह मारा हो तरीके से बर्बरता ठीक है, लेकिन भाजपा विधायक सिंह मुसलमानों को देश से निकालना बहुत जरूरी है। हमारे भाई ने कहा कि अभी जो है पाकिस्तान से मुसलमान कुछ हिंदू बनकर के यहाँ पर भारत में आएंगे, आप मैं कह रहा हूँ आए जीसस क्या है, आप उनका इतिहास ढूंढिए, पहले वो भी हिंदू थे, पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे और आज कितने परसेंट रह गए आपको पूरा इतिहास पता होगा, और हिंदुस्तान में कितने परसेंट मुसलमान थे, कितने परसेंट बढ़ गए हैं मुसलमान, आप देखिए सब बातों को माधवा जी आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सभी मुस्लिमों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। जो है आपकी यहाँ के मुसलमानों को आपत्ति है क्या, यहाँ पे कोई उनको बैठानी है क्या, अफगानिस्तान बांग्लादेश से जो पाकिस्तान यहाँ करके जो हारे कर रहे हैं उनको निकालना जरूरी है या नहीं है। गोविंद माधवा जी मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूँ, मेरे एक जानकार है डिफेंस कॉलोनी वो जा रहे थे, रेलवे फाटक बंद था, अपनी गाड़ी से वो थे, मैं एक्टिवा से था, उन्होंने मैं रुका उनसे, बातचीत मेरी हुई, उन्होंने कहा कि विक्रम जी बताइए मेरे बेटे का मतलब उनका जो बेटा था वो मुश्किल से 6-7 साल का था,
और उसको उसके स्कूल में बच्चे कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान जाओ। अब बताओ कि इस तरह से अगर आप किसी को प्रताड़ित करोगे तो क्या गृह युद्ध नहीं होगा? मैंने भी दो 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 लड़कियों की शादी कराई है, मुस्लिम लड़कियों की शादी कराई है, अपने फ्रेंड से शादी कराई है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी कैसा भी कर रहा हूँ मुसलमान खराब है, लेकिन 99% मुसलमान, 99% मुसलमान के जितनी भी गतिविधियां खराब निकलेंगे आपको उसमें से मुसलमान का ही रोल कहीं ना भी मिलेगा आपको। मेरा बिल्कुल जनाब बिल्कुल 100% सही है। आप जितना ही ग्राम कर देखिए, जितना ग्राम कर देख लीजिए, आप क्या चाहे आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ऐसा मैं नाम बनी हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि वीर अब्दुल हमीद जो थे वो देश के देशभक्त नहीं थे, उनसे बड़ा कह रहा हूँ देशभक्त है। उनको मानते क्या मुसलमान है, क्या मुसलमान भी है, क्या मुसलमान वीर हमीद को मानते हैं क्या, क्या मुसलमान क्या वीर क्या मुसलमान अब्दुल कलाम को मानते हैं? किस मदरसे में अब्दुल कलाम की फोटो लगी हुई है जो बात कहते हैं? किस अब्दुल कलाम को मानते हैं? सब अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते, सब ऐसे नहीं है। जनाब आप हम मानते हैं अब्दुल कलाम को मुसलमान का, हम अब्दुल हमीद को हम मुसलमान मानते हैं, लेकिन आप मुसलमान से जाके पूछिए कभी वो अब्दुल हमीद की या अब्दुल कलाम की बात नहीं करेगा, हमेशा वो सिर्फ अपने जनाब हमें सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। मैंने 99% कहा, 100% नहीं कहा। 99% मुसलमान को जितने सब मुसलमान का दिया उसमें होगा रोल, नहीं तो गोविंद जी शाहनवाज हुसैन और उत्तराखंड में सदाब शम्स, क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? जब मैंने आपसे कहा 90% बात होंगे करते हैं, लेकिन एक कारण है कौन है 1% अब्दुल हमीद आते थे, अब्दुल कलाम आते थे, लेकिन मुसलमान को मुसलमान मानते नहीं है। जो मुसलमान हिंदू की बात करते मुसलमान ही समझते लोग, और हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम लोग समझते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जो पाकिस्तान से बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं, घुसपैठिया आए हैं, जो अफगानिस्तान से घुसपैठिया आए हैं, उनका रोल देखो ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हर प्रकार से कुकन, हर प्रकार से जलंगे आते हैं कांड, उन्हीं के नाम क्यों आता है बार बार, किसी हिंदू का नाम क्यों नहीं आता है? देखिए गोविंद माधव जी, जहां तक बिल लग रहा है, जहां तक ये बिल लग रहा है, जहां तक आप मैं कह रहा हूं क्राइम की बात हो रही है, गोविंद माधव जी सबसे बड़ी वजह यही है कि अशिक्षित माहौल जो उनके बीच में था, हमें सबसे पहले उसको दूर करने की आवश्यकता थी। शिक्षित मुसलमान जितने भी हैं उनके घर परिवार, उनका रहन सहन, उनके काम करने का तरीका देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत अच्छे कार्य किया गया और जल्दी आपको जनसंख्या नियंत्रण का भी मिलेगा, और मैं समझता हूँ तब देश का देखिए अगर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा। उनमें से कौन अनपढ़ थे बताइए, अशिक्षा से कौन ग्रसित थे? आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग करने के बाद छात्र जो है वो भी आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, क्या है ये? कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को समझना होगा, इस विचारधारा को भी समझना होगा, ये विचारधारा की कमी है जिससे इस प्रकार की एक विकृति पैदा हो जाती है मानसिकता में और व्यक्ति जो है गलत दिशा में मुड़ जाता है। तो हम उसको चेक करें, हम उसके लिए अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ाएं, हमें इस प्रकार के लोगों की स्क्रीनिंग करें, हम उनकी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस निकालें, जिस तरह से कि अमेरिका में कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसको चेक करते हैं किसी को भी अंदर आने देने से पहले, वो सब आप कर सकते हैं। और जो आपको लगता है कि रोहिंग्या है या जो दूसरे ऐसे मुसलमान है जो बांग्लादेशी मुसलमान है जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं, आप इन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप एक जनरल टर्म में सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकेंगे, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो जमाते वही रहेंगे, ये सिर्फ उनके लिए लाया गया जो घुसपैठिए थे और जो जबरन जो है हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करी थी उनके लिए बिल लाया गया, और जो अभी तो पहले जो बिल लाया गया है वो पहले 11 साल के लिए था, अब वो 5 साल के लिए है कि 5 साल का जो हिंदुस्तान में आएगा ये उसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा गोविंद माधव जी, उत्तराखंड के ज्वालापुर से विधायक है, वो अपने क्षेत्र में जाकर के अनाउंस करते हैं कि 55% जो हिस्सा है मैं वहां का विधायक हूँ, 45% तो पाकिस्तान बना रखा, तो ऐसी चीजें अगर कही जा रही है तो उसको दूर करने की जरूरत किसको है? वो सरकार को है, कौन करेगा इन चीजों को दूर? बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है, विधायक कहते हैं मेरे क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, तो वो चीजें चिन्हित कैसे होगी, उसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए बहुत जल्दी जैसे सर ने कहा था कि LIO और दुआ लगी हुई है, पूरी जानकारी वो देख नहीं रहा ना, बात बाजी आती है वो काम
अगर इस तरीके से काम वोट बैंक की राजनीति को छोड़ करके अगर सही तरीके से काम होता तो हम जहां राजधानी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वो 64 लाख से 1 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंच जाती जैसा शांति भट्ट ने कहा। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं जो अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की बस्तियां बसाती हैं, इस तरह के लोग जो कहीं से भी आकर के कोई भी क्राइम करके आकर के वो बस जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो पॉलिटिकल पार्टी है। शांति भट्ट जी, देखिए श्रीवास्तव जी, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय केंद्र में सरकार है वो अपने किसी भी निर्णय पर जनता को भरोसे में नहीं ले पा रही है और उसका परिणाम आपके सामने है। मकसद ये है कि भाजपा की जय जयकार करना है तो फिर तो सब बैठ के जय जयकार कर लेते हैं। अगर आपका मकसद है कि डिबेट में आप बात को सुने और उसके बाद में उसका प्रतिकार करें, तब तो लगता है क्या वो क्या पार्टी क्वेश्चन के जवाब पूछेगा, नहीं क्या ये क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे, क्या समय बनाए बनाएंगे, आपने चुप करके जिनको भेजा गया वे तो हस्ता करेंगे देश का, ये हम देश को किस तरह किस तरह जाएगा। मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने का मौका मिला बोलो, जम के बोलो, आपसे पूछा नहीं है ना, जब आपका टर्न आए आप बोलिए। यही दिक्कत है, यही सत्ता में बैठे लोगों की दिक्कत है कि इस समय पिछले 10 दिनों से अगर आप देखेंगे तो हर टीवी चैनलों पर महसूस कराया जा रहा है एक वर्ग विशेष को कि ये लोग इस देश के लिए खतरा है, जबकि भाई 10-15 लाख जो आए होंगे उसका निदान होना है, सरकार के पास सारी मशीनरी है, निदान हो जाएगा, मगर एनआरसी की आड़ में जिस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और देखिए श्रीवास्तव जी, चाहे वो जामिया में हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे बॉम्बे हो, गुजरात हो, दिल्ली के तमाम हर जगह का पढ़ा लिखा छात्र सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, तो इसके पीछे या तो सरकार अपनी मंशा साफ नहीं बता पा रही है इसलिए सड़कों पे लड़के उतर रहे हैं, या सरकार की मंशा खराब है इसलिए जन आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ग विशेष देश के लिए खतरा है। यदि ऐसा है तो चिन्मयानंद ने किसी हिंदू की लड़की के साथ गलत काम किया, आसाराम ने किसी अलग वर्ग की लड़की, उसने भी हिंदू की किसी लड़की के साथ गलत काम किया, आप राम रहीम को देख लीजिए और चिन्मयानंद को देख लीजिए, तो ये कौन लोग हैं? अपराधी अपराधी होता है, उसकी मानसिकता अपराध करने की होती है, वो अपराध करता है, उसकी सजा उसे कानून देता है। भारत की जनता को कानून को हाथ पे लेकर सड़कों पे आंदोलन करने की छूट, दंगा मचाने की छूट ना तो कानून देता ना कोई नेता, मगर पिछले 6 सालों से आप देख रहे हो कि छोटे छोटे इश्यूज पर प्रांतों में झगड़े हो रहे हैं और उसको पोषित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। हम चाहते हैं एनआरसी लागू हो, मगर दिल्ली में बैठे गृह मंत्री को यह बताना पड़ेगा कि जनता को इससे यह लाभ है। अब आप सोचिए, जो भारत का नागरिक है वो अपने आप को कितना शर्मिंदगी महसूस करेगा जब उससे यह कहा जाएगा कि पहले आप बताइए भारतीय हो कि नहीं, कागज लाइए। वो व्यक्ति क्या करेगा जो उत्तराखंड में बाहर से आया है, या उत्तराखंड का कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ होगा उसे यह पता ही ना हो उसकी 2 पुस्तें जो है खत्म हो चुकी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, अगर उसको यह पता ना हो कि उसकी जमीन और जायदाद उत्तराखंड में है कि नहीं, तो कल क्या उसको भी आप बांग्लादेशी बता दोगे? क्या उसको भी आप, यही हाल आसाम में हुआ कि आसाम का नागरिक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया और वो वहीं बस गया, उसके पास वो रिकॉर्ड नहीं था जिन मानकों को उसे पूरा करना था, 15 लाख से ज्यादा हिंदू वहां पर जो है भारतीय हो गए, तो क्या यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं 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 वहां अब हम ठीक करेंगे? अगर ये जिस तरीके से जीएसटी से आज पूरा व्यापार भारत का खत्म हो चुका है, यदि एनआरसी से प्रांतों का प्यार खत्म हो गया और आपस में नागरिक से नागरिक अगर झगड़े में उतर आया तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपके हर उस कार्य में जन आंदोलन क्यों खड़े हो जा रहे हैं, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है कि देश के अंदर जो है आज भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी भारतीय
देखा। आज भारतीय जनता पार्टी के वोट देने वाला किसान इस बात से परेशान है कि उसकी आर्थिकी खत्म हो चुकी है, कोई नीति भारतीय जनता पार्टी की जो है किसान को लाभप्रद नहीं हो रही है। और देहरादून का एक लड़का कल जामिया में जो है मार खा गया, जिसके पिता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते थे, कल उनकी अवॉर्डिंग थी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, केवल इसलिए वेदना दिखाई क्योंकि उनका बेटा जो है लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था और उसकी जो पुलिस ने इतना मारा लाइब्रेरी में, उसका क्या दोष था? वो न तो सड़क पे था, वो अपने स्कूल के प्रांगण में अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था और रात को 11 बजे उसकी टांग तोड़ दी। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है? और आखिर आप श्रीवास्तव जी इस बात को भी समझना चाहिए, जामिया की कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस के खिलाफ मैं FIR दर्ज करूंगी क्योंकि पुलिस जो है गलत तरीके से बिना अनुमति के जो है प्रांगण में पहुंच गई। कितना बड़ा धंधा हो रहा था कि आपको पुलिस को जो है जामिया के अंदर जाकर जो है बच्चों के ऊपर मार पिटाई करी। यदि 70 साल का बूढ़ा जामिया के अंदर दिख रहा था तो आप उसे पकड़ के अरेस्ट करते? आपने 20-20 साल के बच्चियों को पुरुषों ने मारा, क्या ये लोकतंत्र है? और जब आपको लगता है फेल होते हो तो आप इंटरनेट बंद कर देते हो, यही आपने आसाम के अंदर किया, यही आप जो है उत्तर प्रदेश में कर रहे हो। क्या इस देश के अंदर सत्ता केवल इसलिए मिली है कि देश की आर्थिकी ना सुधरे, देश में रोजगार ना मिले, देश की अर्थव्यवस्था चकना चूर हो जाए? और जवाब से सवाल करो तो आप एक और सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो NRC का, क्या इससे देश को लाभ मिलेगा? 129 करोड़ की जनसंख्या वाले लोगों को आप केवल इसलिए सड़क पे लाइन पे लगा दोगे कि केवल जो आपको 15-20 लाख लोग ऐसे दिख रहे हैं जो पाकिस्तान से अवैध आ गए, बांग्लादेश से अवैध आ गए, आपको 15-20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप पूरे भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हो। इसका मतलब 70 साल से जो संविधान में प्रावधान था वो आपके लिए सब बेकार था। इसका मतलब LIU से लेकर रॉ की जो नौकरी करने वाले लोग थे, इसका मतलब वो घर बैठे हुए थे, उनकी नौकरियां बेकार थी। इसका मतलब आपके पास जनपद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रदेश में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कहते हैं कि 5 लाख बांग्लादेशी उत्तराखंड में बस गए। मैं पूछना चाहता हूं 2 साल में कितनों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बाहर किया? इसका मतलब खाली बयान दे देना, समाज को उड़ा देना। मेरा मानना है जितना अधिकार भारत में हिंदुओं का है उतना अधिकार भारत में मुसलमानों का भी है। वो भारत के लोग जो वीर अब्दुल हमीद को प्यार करते हैं उन्हें यह भी याद होना चाहिए कि इस देश के लिए मिसाइल मैन जो है जो आपके कलाम जी रहे हैं। तो हम जो देश के लिए लाभप्रद है, जो देश के लिए मरने मिटने वाला है, वो किसी जाति धर्म का हो, वो भारतीय है, उसके आत्मा उसके उसकी उस पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर ये अधिकार कौन देगा इन नेताओं को जो किसी वर्ग विशेष की जो है आत्मा को आहत करेगा? ये भारत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके गंभीर परिणाम इन्हीं सरकार में बैठे लोगों को भुगतना पड़ेगा। योगेश जी, जैसा शांति भट्ट जी ने कई बातें कही, सवाल तो देखिए उठना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटबंदी करते हो तो उसके बाद जो परिणाम दिखते हैं उसमें दिखता है कि आपकी जो नोटबंदी का जो तरीका था वो जल्दबाजी का था। GST आप लाते हो वो भी आधी अधूरी तैयारी रहती है, कई ऐसी चीजें हैं, चाहे 370 का हो या फिर उसके बाद अब जो CA है। क्या लगता है आपको कि मंशा तो साफ है लेकिन पिक्चर जो है वो पहले से क्लियर नहीं हो पा रही है, मसौदा जो है वो सही तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, लोगों को जो एक क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हैं और आज सबके पास इंटरनेट है, पढ़ने की सभी सुविधाएं हैं, लोग अपनी चीजों के बारे में समझ पाता है, सोच पाता है, और इसीलिए विरोध भी जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है, पूरे देश भर में इस तरह का विरोध दिखाई दे रहा है। आप इंटरनेट बंद कर लेने से क्या सरकार बच पाएगी इन सारी चीजों से जो विरोध हो रहा है? विक्रम जी, मुझे लगता है एक भय है इन लोगों के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं कि यदि हम पहले से इस बात को डिस्कस करेंगे तो इसका इतना ज्यादा विरोध हो जाएगा कि हम इसको बिल को पास ही नहीं करा पाएंगे। नोटबंदी में हम मान लेते हैं, चलिए साहब आप नोटबंदी में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपका प्लान क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट किया देश के तमाम बैंक के मैनेजरों के द्वारा, वो आपकी जब सेना ही आपकी वफादार नहीं रही तो आपकी नोटबंदी कहां से सक्सेसफुल हो जाएगी? आपने एक्सपेक्ट किया था 8 लाख करोड़ रुपया जमा ही नहीं होगा, जितना आपने छापे उससे ज्यादा कह रहे हैं आप जमा हो गए। अब बोल रहे हैं कि 2-2 सीरीज छप गई थी, इसने छापी जी कांग्रेस के टाइम में छप गई थी। चलिए इन सब बातों को मान लिया जाए, इसके बाद GST वाला काम हुआ। GST में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है
चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो और वकीलों को, क्यों उनके पास अब केस कराने जाओ जी भाई साहब इतना परेशान, हर व्यापारी आज परेशान है क्योंकि जीएसटी को कंप्लाई करना ही इतना मुश्किल है, हर महीने आपको रिटर्न दाखिल करनी है, आपको डेली की डेली बिल काटना है, आप किसी भी व्यापारी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जीएसटी को कंप्लाई कर सके बिना बिना किसी परेशानी के आसानी से, वो इनके भरोसे चले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने हिसाब से चल रहे हैं, अकाउंटेंट जो है उनके बिले भी उसमें डाल रहे हैं, तो उनकी जितनी इनकी जीएसटी जमा हो रही है भाई साहब लगभग आधी तो पेनल्टी जमा करा रही है क्योंकि हो ही नहीं पा रहा कंप्लाई। अब ये कह रहे हैं हम 3 महीने में करेंगे उसको रिटर्न को, चलिए जीएसटी को आप इस जीएसटी के बाद आप आए इसके ऊपर कि आपने एनआरसी का डिक्लेरेशन किया, एनआरसी करते हैं, एनआरसी के लिए कुछ राज्य ने विरोध किया जहां हो सकता है वो वोट बैंक हो, अब इन्होंने शांति जी ने फिगर दिया कि 17-18 लाख आपके जो विदेशी घुसपैठियां हैं इनको आपने एयरमार्क किया, अब मुझे नहीं पता इनके पास ये फिगर कहां से आया, जब सरकार के पास ये फिगर नहीं तो इनके पास कैसे आ गया, चलिए खैर आपके मुख्यमंत्री का बयान है 5 लाख तो उत्तराखंड में, जी आपने 15-16 जो भी बोला आपने, आपके मुख्यमंत्री का बयान है भाई, आप तो सिर्फ ठीक है शांति जी वो आपके जो मुख्यमंत्री हैं हमारे तो है, हम तभी तो कह रहे ठोक के कि हमारा मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उस पे पैसे का काम नहीं कर पाते, पूरे उत्तराखंड के बात सिर्फ उत्तराखंड का नहीं आपने पूरे इंडिया के लिए कहा, मैं तो इंडिया का एक अधिकारी की बात कर रहा हूँ, कितने होंगे 20 करोड़ तो होने से रहे, अरे 10-15 लाख होंगे जितने ज्यादा, नहीं आपके जितना भी फेलियर नहीं है हमारा देश की सीमा है कि सब आके घुस रहे हैं, इतने फेल भी नहीं है, इससे काफी आप बीएसएफ पे उंगली उठा रहे हो इसका मतलब, आप पूरी सेना पे जो है उंगली उठा रहे हो इसका मतलब जिसका मुंह आया वो उठ के उत्तराखंड से लेकर भारत के किसी कोने में चला है, ऐसा नहीं है शांति जी, शांति योगेश की बात काफी जो है वो हो चुकी है, वहां की सीमाएं इतनी पोरस है कि उसको गार्ड करना परमानेंटली पॉसिबल नहीं था, आपको पता है कि उसमें जो है तार बार लगाना भी पॉसिबल नहीं है पूरी सीमा पे, और तार बार लगाने के बाद भी वहां कई आपने वीडियो क्लिप देखे होंगे किस तरह आसानी से वो कूद के लोग इधर आ जाते हैं, अब पूरी बॉर्डर पे आप कंटिन्यू तो उनको लगा नहीं सकते हैं बीएसएफ को, अगर लगाएंगे भी और बीएसएफ भी उनको क्या करेगी, पकड़ के वापस भेजने की कोशिश करेगी, डराएगी धमकाएगी, और ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप, या तो ऑर्डर कर दीजिए कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दो, कल से एक भी घुसपैठिया नहीं क्रॉस होगा, आप पाकिस्तान बॉर्डर से आपके घुसपैठिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पे सिचुएशन ऐसी है कि एक वॉर जोन टाइप का है जिसमें किसी भी घुसपैठियों को आप दुश्मन की नजर से देखते हैं उसे आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं अंदर घुसने से पहले, लेकिन ये सिचुएशन बांग्लादेश के साथ नहीं है, दूसरे बर्मा के साथ नहीं है, वहां से घुसपैठिए आसानी से क्रॉस हो जाते हैं और वहां की सीमाएं इस तरह की हैं, नदियां हैं कि वो मॉनिटर करना उनको लगातार उस पर एक पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है। अब हम इसके बाद इसमें आ जाते हैं, ये जो सीएए इन्होंने बनाया, ये कानून इन्होंने बनाया और इसको इन्होंने एकदम से लॉन्च किया और एकदम से पास करा दिया, भाई रात को 12 बजे आप एक बिल को पास करा रहे हैं, 12 बजे तक आप रोक रहे हैं लोकसभा को, सब लोग चलो पास करो, अगले दिन ही आप जो राज्यसभा में उसको पास करा दे रहे हैं, क्या इतनी हड़बड़ी और जल्दी क्या है, क्यों, क्योंकि आप शायद इस बात से डरते हैं कि अगर हमने इस बात को लोगों के बीच में जाने दिया, इनको इस बारे में डिस्कशन करने दिया तो कहीं इसका इतना विरोध ना हो जाए, आज आप विरोध देख रहे हैं, क्या है एक विरोध भी जो लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं, देखिए दो ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स की, अब ये शांति जी कह रहे हैं कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, एक SFI है और एक NSUI है, NSUI ये कांग्रेस का विंग है और SFI जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी का विंग है, तो ये दो तो विरोधी पार्टियां हैं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये विरोध पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन इसकी आड़ में दंगाई और अराजक और गैर देश विरोधी तत्व जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करें, हमें ये देखना है कि ऐसा ना होने पाए, क्योंकि आप देखिए अमानतुल्ला खान जी जाके वहां पे बयान देते हैं, वहां जाके भड़काते हैं लोगों को या जो भी वो भाषण देते हैं, उसके बाद ये दंगा शुरू हो गया। गोविंद माधवा जी, योगेश जी ने जो बातें कही मेरे ख्याल से उस पर आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सोच समझकर चीजों को बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक मैसेज बन जाते हैं, उस मैसेज का अगर गलत उपयोग होता है तो फिर वो दंगे का स्वरूप ले लेता है। गोविंद जी, जी जैसे जनाब ने बोला कि रात 12 बजे बिल पास कर दिया, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब कुछ विद्रोही लोग क्योंकि बात तो 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलने के लिए, आतंकवादी के लिए फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं, तो एक बिल क्या रात को 12 बजे पास नहीं हो सकता, और ये बिल अभी पास नहीं हुआ, इसकी जो
पृष्ठभूमि जो तैयार की गई थी वो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। ये ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को इसमें मौका नहीं मिल पाया हल्ला काटने का और एकदम से इसको राज्यसभा में पास करवा दिया गया लोकसभा के बाद। तो राज्यसभा में सांसद विपक्षी पार्टियों के थे उन्होंने समर्थन दिया है इस बिल को, और ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। अब आज कांग्रेस पार्टी की बात की लग रही है कि इसका समर्थन राज्यसभा में किस प्रकार से इनको पूरा बहुमत मिल गया, दिक्कत इस बात की आ रही है। और अभी जो बोला कि NSIU और ये मार्क्स पार्टी की जो SFI की जो लोग है वही इस आग को चलाने का बहुत बेखूबी से काम कर रहे हैं, और उसकी आड़ में जो कॉलेज के बाहर के लोग हैं गुंडे लोग हैं भी विरोध हो रहा है उनको विरोध हो। गोविंद जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि NSUI और SFI के अगर लोग जो छात्र संगठन है वो अगर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपकी पुलिस जो है उसे रोकने में नाकाम हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो सरकार का है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस जो है वो विरोध हुआ देखिए विरोध वो कर रहे हैं लेकिन विरोध कर रहे हैं लेकिन जो बाहर के लोग बुलाकर के सामने फ्रंट पे लाकर के चाहे गोविंद जी चाहे आप हो चाहे मैं हूँ योगेश जी हो शांति जी भट्ट जी हो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की हिंसा हो, और हिंसक प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आप किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं, आप अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं, इसीलिए भारत को आजाद कराया गया था। और आजाद भारत में अगर इस तरह का हिंसक प्रदर्शन होगा और लोगों पे थोपने वाला अगर कोई बिल आएगा तो उसको शायद ही कोई बर्दाश्त करेगा। आपके जनसदन में आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हैं, नमस्कार।